गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सो इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रही हूँ बैंक निफ्टी सो आज हमें मंथली क्लोजिंग मिल गई है तो हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे और आप सभी देख रहे हैं मार्केट में पिछले तीन दिनों में काफ़ी ज्यादा गिरावट आ चुकी है मैं आपको काफी टाइम से वन कर रही थी अगर आप देखिए पिछले लास्ट टू वीक से मैं आपको रही थी कि बैंक निफ्टी काफी ज्यादा तेजी दिखा चुका है काफी ज्यादा सैचुरेटेड हो रहा है अभी इसमें तेजी तो आ रही है लेकिन मैग निफ्टी काफी ज्यादा स्ट्रेच हो चुका है और डेली चार्ट पे हमने एक स्पिनिंग कैंडल भी यहाँ पर बनती हुई देखी थी इसको भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था आप चाहें तो वो वीडियो जाके देख सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए अपना एनालिसिस शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे हम बैंक निफ्टी में किस तरह का मूव देखेंगे क्या ये गिरावट आगे और बढ़ सकती है अगर बढ़ेगी तो कहाँ तक जा सकती है और अगर नहीं बढ़ती है तो फिर हम कहाँ से इसे इसमें दोबारा से रिकवरी देख सकते हैं तो मंथली चार्ट पे हम सबसे पहले देखेंगे कि इस मंथ कैंडल कैसी बनी है तो कैंडल अगर आप देखें कैंडल की बॉडी ठीक ठाक है और शेडो अगर आप देखें इसकी ऊपर की शेडो ये काफी बड़ी शेडो यहाँ पर बनी हुई है ये शेडो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही है कि ऊपर बैंक निफ्टी गया जरूर था लेकिन ऊपर के लेवल पर यहाँ पर टिक नहीं पाया यहाँ पे उसने अच्छा खासा सप्लाई प्रेशर देखा तो इसका मतलब अगर नवंबर में भी बैंक निफ्टी कोशिश करता है ऊपर जाने की तो यहाँ पे चांसेस ज्यादा होते हैं कि दोबारा से सप्लाई प्रेशर बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिले तो यहाँ पर डेफिनेटली मंथली चार्ट आपको कॉशियस होने के लिए बोल रहा है कि ऊपर की तरफ अगर बैंक निफ्टी जाता है तो हम फिर से बिकवाली देख सकते हैं स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी ठीक ठाक है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है तो बात कर लेते हैं कि जो मंथली चार्ट है उससे हमें मेजर सपोर्ट कहाँ मिलते हैं तो मेजर सपोर्ट जो आपको मंथली चार्ट देता है वो करीब आपको मिलता है थर्टी टू थाउजेंड सेवन एट्टी वन का ये वही लेवल है आप यहाँ पे देख सकते हैं जहाँ पे पहले रेसिस्टेंस लिया था एक अच्छा फॉल हमने देखा था और उसके बाद इसी लेवल को ब्रेकआउट किया यहाँ पे सपोर्ट लिया फिर तेजी दिखाई सो मेजर सपोर्ट बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट पे जो हमें मिलता है बत्तीस हजार सात सौ अस्सी से लेके बत्तीस हजार एक सौ साठ का है ये दोनों लेवल्स आप नोट कर सकते हैं ध्यान में रखिए लेवल जब तक इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है तो स्ट्रक्चर हमारा मेंटेन रहेगा तो बेसिकली जो भी गिरावट आएगी उसे हम एज अ करेक्शन ट्रीट करेंगे ओके okay? तो मंथली चार्ट से हमें कैंडल स्टिक यहाँ पे बोल रहा है कि करेक्शन हो सकता है ऊपर अगर तेजी भी दिखाएगा तो गिरावट हो सकती है सपोर्ट लेवल्स भी हम यहाँ से निकाल चुके हैं तो चलिए अब चलते हैं वीकली चार्ट पे वीकली चार्ट अगर आप देखें वीकली चार्ट पे जो कैंडल बनी है एक तरह से एक इनगल्फिंग कैंडल बनी है गैप खुला था पिछला क्लोज देखें पिछले वीक का चालीस तेईस के आसपास था और इस बार का जो ओपन था चालीस हजार नौ सौ साठ के आसपास था तो 600 पॉइंट की यहाँ पे गैप अप ओपनिंग थी उसके बाद तेजी भी दिखाई करीब फोर्टी वन थाउजेंड एट थर्टी का हाई भी बनाया लेकिन ऊपर की तरफ टिक नहीं पाया और ऑलमोस्ट अपने लो के आसपास यहाँ पे क्लोज हुआ है और जो आप ये देख रहे हैं एक गैप बना था लास्ट वीक लास्ट टू लास्ट वीक आप देख सकते हैं इस गैप भी आज इसने फिल किया है उसके नीचे क्लोज है तो डेफिनेटली वीकली चार्ट पे जो कैंडल बनी है ये वीकनेस इंडिकेट कर रही है तो यहाँ पे जो वीकनेस है आगे कंटिन्यू हो सकती है अब बात कर लेते हैं कि वीकली चार्ट पे हमें सपोर्ट कहाँ मिलेगा तो वीकली चार्ट पे जो हमें सपोर्ट मिल रहा है वो करीब थर्टी सिक्स थाउजेंड एट सेवेंटी सिक्स का मिल रहा है सो so, ये करेक्शन हमारा यहाँ तक बढ़ सकता है आने वाले हफ्तों में so, हमें सपोर्ट मंथली चार्ट से मिल चुका है और हमें इससे भी मिल चुका है तो मंथली चार्ट की कैंडल से कह रही थी कि ऊपर के लेवल पे सप्लाई प्रेशर है यहाँ पे वीक कैंडल है तो मंदी यहाँ पे आगे और बढ़ सकती है और ये करेक्शन अभी जो एक्सटेंड हो सकता है करीब छत्तीस हजार 36870 तक एक्सटेंड हो सकता है अगर ये लेवल टूटेगा तब फिर हम देखेंगे कि ये नेक्स्ट लेवल भी आ सकता है या नहीं बट फिलहाल हमारे लिए हम ये जो लेवल कंसीडर कर रहे हैं वो 36876 का करेंगे डेली चार्ट देख लेते हैं तो डेली चार्ट पे अगर आप आज की कैंडल देखेंगे तो आज की कैंडल एक हैमर जैसी कैंडल बनी है तो आज आ, स्लाइटली गैप डाउन ओपन हुआ था उसके बाद हमने गिरावट भी देखी लेकिन नीचे के लेवल से रिकवरी भी अच्छी आई है आप देख सकते हैं लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ये जो कैंडल आप देख रहे हैं ये गैप कैंडल है ओके सो ये जो गैप है एक रेसिस्टेंस का काम जरूर करेगा ये लेवल्स है थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास ओके okay? और इस हैमर का जो हाई है वो करीब आता है के के आसपास। मंडे so, दिन अगर इस लेवल के थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के लेवल के ऊपर खुलता है तो यहाँ पे चांसेस बनते हैं कि एक टेम्परे रिकवरी हम बैंक निफ्टी में देख सकते हैं और वो रिकवरी हो सकता है फिर से सेलिंग के लिए यूज की जाए फ्लैट ओपनिंग अगर यहाँ पे होती है तो यहाँ पे चांसेस हैं कि ये फिर से अपने लोस को भी टेस्ट कर सकते हैं तो ओपनिंग काफी हद तक डिपेंड करती है कि मंडे को हम किस तरह से ओपन होते हैं ओके okay? और डेली चार्ट पे बात करें डेली चार्ट पे जो हमें सपोर्ट लेवल्स दिखते हैं तो सपोर्ट लेवल्स जो हमारे थे वो करीब थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के थे उसी के नीचे जाके यहाँ पे क्लोज हुआ है ये जो आप कैंडल देख रहे हैं है जैसी कैंडल बनी है ये सपोर्ट लेवल के नीचे बनी है गैप डाउन भी है तो जब तक ये जो हमने जोन निकाला रेसिस्टेंस जोन के ऊपर नहीं जाएगा तब तक यहाँ पे रिकवरी आना थोड़ा सा मुश्किल होगा गैप अप ओपनिंग इसके ऊपर होगी तो डेफिनेटली फिर हम अच्छी रिकवरी भी देख सकते हैं आवली चार्ट देख लेते हैं सो so, अवली चार्ट अगर आप देखें यहां पे स्ट्रक्चर आपको फिर भी वीक दिखेगा जो हायर हाईस का स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे पिछला लो यहाँ पे तोड़ चुका है आप देख सकते हैं लोअर हाई बना उसके बाद पिछला लो भी यहाँ पे तो हमारे ये सपोर्ट लेवल्स थे जिसके नीचे आज बैंक निफ्टी क्लोज हो चुका है आप देख सकते हैं सो डेली चार्ट और आवर्ली चार्ट का जो सपोर्ट था हमारा सेम था सो so, इसके नीचे जो है बैंक निफ्टी क्लोज हो चुका है तो so, मंडे के सेशन में इसके ऊपर खुलता है या फिर इस लेवल को निकालता है डिसाइजिवली तभी हम यहाँ पे रिकवरी देखेंगे अदरवाइज हम करेक्शन ही मंडे को भी एक्सपेक्ट करेंगे और वो करेक्शन यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है Uh, जो हमारे लेवल है थर्टी सिक्स थाउजेंड एट सेवेंटी सिक्स के ओके okay? सो so, ये एकदम नहीं आएंगे टाइम लगेगा मैं ये नहीं कह रही कि अभी जो आप लेवल देख रहे हैं थर्टी नाइन थाउजेंड का दो हजार नीचे है, तो। हम यहाँ पे इंट्राडे के सपोर्ट्स भी आइडेंटिफाई कर लेते हैं सो नेक्स्ट सपोर्ट जो यहाँ पे मुझे मिलता है वो करीब आपका मिलता है थर्टी सेवन थाउजेंड से आस पास ओके सो so, ये सपोर्ट हमें एक इंटर इंटरमीडिएट सपोर्ट यहाँ पे मिल जाता है तो आप अगर यहाँ पे करेक्शन भी होता है तो इस लेवल के आसपास भी प्राइस एक्शन को नोटिस जरूर करें तो चलिए अब चल के देख लेते हैं कुछ हैवी वेट बैंक ताकि हमें थोड़ा सा और अंदाजा लग जाए कि, कि किस तरह से बैंक निफ्टी जो है मंडे के सेशन में मूव कर सकता है सो so, शुरुआत करते हैं कोटक बैंक से ठीक okay? है सोटक so, बैंक का ये आप आवली चार्ट देख रहे हैं तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल्स थे इसके 2023 से लेके 201 सो दिस इज ये ब्लू लाइन जो आप देख रहे हैं प्राइस एक्शन सपोर्ट है और पे मार्क किया है यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बन रहा था जिसे कहते हैं शार्प पैटर्न तो ये जो है इसका सपोर्ट लेवल था तो स्लाइटली यहाँ से बाउंस किया है अब यहाँ पे आपको देखना है रेसिस्टेंस क्या है तो रेसिस्टेंस अगर मैं कोटक uh, बैंक की बात करूँ तो रेजिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है करीब 2100 से 2110 का दिख रहा है अगर ये लेवल पे फिर से अटकता है तो इसमें भी हम गिरावट ही आगे देख सकते हैं तो इसका एक बार फटाफट से सारे चार्ट देख लेते हैं सो अगर आप यहाँ कोटक बैंक का भी मंथली कैंडल देखें तो एक शूटिंग स्टार जैसी कैंडल यहां पर भी बनी हुई है इस पे जो मंथली सपोर्ट मिलेगा हमें सोलह सो सू, पैतालीस के आसपास मिलेगा तो आप देख सकते हैं मंथली सपोर्ट लेवल्स काफी नीचे हैं तो मंथली ऑब्वियसली वीकली चार्ट देख लेते हैं तो वीकली चार्ट पे यहां भी एक वीक कैंडल यहाँ पे बनी है आप देख सकते हैं विद अपर शेडो और कैंडल भी अपने लो पे क्लोज हुई है अभी टेम्प्रेरी सपोर्ट पे है वीकली भी सपोर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया था यहाँ पे फिर से लिया फिर ब्रेकआउट दिया तो कोटक बैंक यहाँ पे ये लेवल जब तक दो हजार के लेवल्स जो हैं जब तक ये लेवल्स नहीं तोड़ेगा तब तक यहाँ पे नीचे नहीं आएगा कोटक बैंक कंपैरेटिवली यहाँ पे अच्छा दिख रहा है क्योंकि ये सपोर्ट लेवल्स पे है सो so, कोटक बैंक हो सकता है कि यहाँ पे साइडवेज हो अगर ये गैप डाउन ओपन होता है यहाँ पे दो के लेवल के नीचे तब फिर हम इसमें करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं तेजी इसमें अच्छी तभी आएगी जब 2100 से ऊपर निकलेगा तो आपके लिए इसमें दो लेवल हैं 2000 और 2100 2100 से ऊपर निकलेगा तो अच्छी तेजी आएगी अगर 2000 से नीचे आएगा तो गिरावट भी अच्छी देख सकता है सो so बेसिकली ये रेंज बाउंड हो सकता है आईसीआईसी बैंक देख लेते हैं सो सबके मंथली चार्ट देखते हैं तो आईसीआईसी बैंक की अगर आप मंथली कैंडल देखें तो तो आईसीआईसी बैंक भी यहाँ पे वीक नहीं लग रहा है ठीक ठाक कैंडल है अपर शेडो भी बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है तो मंथली चार्ट इसका फिलहाल कोई वीकनेस नहीं दिखा रहा है वीकली चार्ट आप देखेंगे वीकली चार्ट पे यहां पे शूटिंग स्टार जैसी कैंडल जरूर बनी है आप देख सकते हैं काफी अच्छी तेजी दिखाई लेकिन ऊपर के लेवल पर टिक नहीं पाया और जहां ओपन हुआ ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज हुआ है और ये जो कैंडल है ये गैप अप कैंडल है सपोर्ट जो है इसका वीकली चार्ट का वो सिक्स के आसपास आता है ये मेजर सपोर्ट है उससे पहले यहाँ पे गैप्स हैं तो हो सकता है यहाँ पे इन लेवल्स पे भी ये रुकता हुआ नजर आए सो वीकली चार्ट डेफिनेटली यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है आज का चार्ट आज की कैंडल देखें तो आ, आज एक इंडिसाइजिव कैंडल बनी है तो हो सकता है यहाँ पे भी एक टेम्पररी बाउंस देखने को मिल सकता है ये बड़ी उससे पहले की आप जो कैंडल देख रहे हैं वीक कैंडल है सो so, ये कैंडल रेसिस्टेंस का काम कर सकती है अच्छी तेजी इसमें तब आएगी जब ये ब्लैक कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज होगा ओके okay? आवली चार्ट देख लेते हैं उससे हमें थोड़े प्रिसाइज लेवल मिल जाएंगे ओके सो देखिए ये लेवल्स हैं आठ के तो ये लेवल्स जो है आई सी आई सी बैंक के लिए रेसिस्टेंस का काम कर सकते हैं मंडे के सेशन में सपोर्ट्स भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आप इंटरड्रे में ट्रेड करते हैं अवोली चार्ट से तो सपोर्ट जो हमें मिलता है 743 का मिलता है पहला सपोर्ट जो हमें मिल रहा है वो 743 का है अगर यहाँ पर रिकवरी भी आती है तो आठ सौ सत्ताईस पर आपको देखना है कि रेसिस्टेंस लेता है अगर यहाँ पे वीक होता है तो फिर यहाँ पे करेक्ट हो सकता है ओके अब देखते हैं एक्सिस बैंक सो so, एक्सिस बैंक भी देखे तो उसी तरह की शूटिंग स्टार कैंडल मंथली चार्ट पे बनी है गैप डाउन कैंडल है ये रेसिस्टेंस पे है सो so, यहाँ पे अगर आप देखें ये बैंक थोड़ा सा वीक दिखे रहा है क्योंकि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है वो आपकी रिसिस्टेंस पे बनी है जो कही कहीं ना कहीं कंफर्म कर रही है कि पिछला जो सप्लाई लेवल है वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है वीकली चार्ट अगर देखें आप तो वीकली चार्ट पे एक वीक कैंडल बनी है एक बड़ी मंदी कैंडल बनी है वॉल्यूम भी काफी अच्छा है तो यहाँ पे हम करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ देख सकते हैं सपोर्ट लेवल्स हमारे सिक्स फोर्टी uh, के आसपास पास है ये मंथली चार्ट से हमने सपोर्ट निकाले हैं और वीकली चार्ट से भी हमें कुछ सपोर्ट मिल जाते हैं पहला सपोर्ट है 707 के आसपास सो so, आप देख सकते हैं करीब उसी के आसपास आके ये बाउंस इसने थोड़ा सा किया था तो अगर इसमें भी टेम्परेरी रिकवरी होती है तो हो सकता है क्योंकि आप आज की कैंडल अगर यहाँ पे देखें तो एक हैमर जैसी कैंडल बनी है सपोर्ट पे बनी है यहाँ पर So, एक टेम्परे रिकवरी हम यहाँ पे भी देख सकते हैं okay. की बात करें तो रेसिस्टेंस जो हमें यहाँ पे आवली चार्ट पे मिलता है वो करीब सेवन सेवेंटी सिक्स के आसपास मिलता है आप देख सकते हैं करंट लेवल्स जो है सेवन फोर्टी फाइव के हैं करीब यहाँ से तीस पॉइंट ऊपर है ये रेसिस्टेंस ओके सो so, आपको देखना है किस तरह की अगेन ओपनिंग होती है लेवल्स के आसपास किस तरह का प्राइस एक्शन है अब मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं कि अगर प्राइजेस लेवल के आसपास ओपन होते हैं या फिर जो भी हमारा सपोर्ट के आसपास ओपन हुआ है या फिर असिस्टेंस के आसपास ओपन हुआ है तो उसको हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं तो आपको पहले तो ये देखना है कि आपका स्टॉक पे व्यू क्या है क्या आप कि बड़े चार्ट्स आपको क्या कह रहे हैं बड़े चार्ट्स वीक हैं तो ऑब्वियसली आप छोटे चार्ट पे रेसिस्टेंस लेवल्स को फाइंड आउट कीजिए और उस रेसिस्टेंस पे आप देखिए कि किस तरह का प्राइज एक्शन अगर वहां पे वीक प्राइज एक्शन दिख रहा तो है तो डेफिनेटली वहां पे अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट ट्रेड लेने की लेकिन अगर आपका कोई भी स्टॉक के बड़े चार्ट तेजी के हैं तो वहाँ पे फिर आपको सपोर्ट लेवल्स के आसपास प्राइस एक्शन देखना चाहिए तो बड़े चार्ट से आप हमेशा अंदाज़ा ये लगाइए कि आपका ट्रेंड क्या है और छोटे चार्ट से आप उसको टाइम कर सकते हैं लेवल्स के साथ और अगर लेवल्स के लेवल से काफ़ी ज़्यादा दूर खुलते हैं तो आप उन ट्रेड्स को छोड़ भी सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती वहां पर ट्रेड करना ही है ओके सो so, uh, ये लेवल्स हम एक्सिस बैंक के भी निकाल चुके हैं अब देख लेते हैं एस बी आई सो लेट्स स्टार्ट विद द मंथली चार्ट सो so, एस का भी अगर आप मंथली चार्ट देखें तो आई और एस इन दोनों के चार्ट अभी भी ठीक ठाक है यहाँ पे अभी भी उतनी वीकनेस नहीं है जितनी बाकी बैंक्स पे तो हो सकता है बैंक निफ्टी साइडवेज भी हो सकती है कुछ दिनों के लिए क्योंकि एस बी आई और आईसीआईसी दोनों मार्केट को ऊपर लेके जाने की कोशिश करें और बाकी बैंक वहाँ पे गिराने की कोशिश करें सो so, आप ऐसा वहां पे इस तरह का प्राइजेशन भी देख सकते हैं सो मंथली चार्ट पे ठीक ठाक दिख रहा है एसबीआई बी सपोर्ट लेवल्स जो हैं पहले हमारे आते हैं 490 के आसपास मंथली चार्ट जो आपको सपोर्ट दे रहा है वो काफी नीचे है क्या मंथली चार्ट का जो सपोर्ट है 353 का है तो मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं कर रही हूं अभी नीचे के लेवल्स के सपोर्ट क्योंकि एसबीआई मुझे वीक नहीं दिख रहा है वीकली चार्ट देखें तो एक स्पिनिंग uh, जैसी कैंडल यहा पे बनी है दोनों तरफ की अपर शेडो बड़ी है कैंडल की बॉडी का साइज काफी छोटा है सो so, यहाँ पे एस बी आई साइडवेज हो सकता है यहाँ पे वीकनेस इसके वीकली चार्ट पे भी नहीं दिख रही है डेली चार्ट देखें तो यहाँ पे आ, इंडिसाइजिव यहाँ पे वीक स्पेनिंग जैसी कैंडल बनी है बड़ी तो एस बी आई यहाँ पर मुझे साइडवेज दिख रहा है ये 490 से लेके 511 की रेंज में ट्रेड कर सकता है 490 की रेंज तोड़ेगा तो फिर ये वीक होगा और 440 तक जा सकता है ओके उससे पहले भी बीच में कुछ सपोर्ट्स हैं आप देख सकते हैं अगर आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो सो तो ये सारे पोजिशनल लेवल्स मैंने यहाँ पे मार्क करे हुए हैं रेंज बाउंड so, हो सकता है पांच सौ ग्यारह से 490 की देख चार सौ नब्बे बैंक बैंक का भी अगर आप मंथली कैंडल देखेंगे तो uh, ये काफी ज्यादा वीक है uh, इसे हम ग्रेव स्टोन दो जैसा भी कह सकते हैं आप देख सकते हैं जहां ओपन हुआ था मंथली बेसिस पे वहीं क्लोज हुआ वन फाइव एट थ्री की ओपनिंग थी और वन फाइव एट टू की यहाँ पे क्लोज वन फाइव एट टू पॉइंट एट फाइव की तो पॉइंट फाइव का केवल यहाँ पे फर्क है और आप देख सकते हैं यहाँ पर शेडो कितनी ज़्यादा बड़ी है तो ये इंटायर एरिया आप देख रहे हैं ये सप्लाई एरिया है तो दोबारा भी अगर कोशिश करेगा तो यहाँ पे फिर से सप्लाई प्रेशर हम देख सकते हैं ओके सो मंथली चार्ट का जो हमें सपोर्ट मिलता है चौदह सौ छब्बीस से लेके चौदह सौ सत्रह का है वीकली कैंडल भी यहाँ पे देख सकते हैं काफी वीक मंदी की कैंडल है जहां ओपन हुआ था कोई भी हाई बना उससे तेजी दिखाने की कोशिश नहीं की ओपन हाई सेम था अपने यहाँ पे वीक तो है तो डेफिनेटली इसमें करेक्शन आगे बढ़ सकता है सपोर्ट अगर मैं वीकली चार्ट की बात करूँ तो हमारे पास चार से लेके चारो का ही यही सपोर्ट है मंथली वीकली सपोर्ट सेम है डेली चार्ट पे फिलहाल सपोर्ट पे है आप देख सकते हैं ये लेवल है जहां पे पहले रिसिस्टेंस लिया था उसके बाद इस इसपे सपोर्ट लिया फिर तेजी दिखाई और अभी वहाँ पे क्लोज हुआ है और एक इंडेसाइजिव जैसी कैंडल यहाँ पे बनी है लोअर शेडो वाली तो यहाँ पे डेफिनेटली आज इसको यहाँ पे डिमांड भी देखने को मिली है आर एस आई भी देखें तो आर एस आई भी फोर्टी के पास है तो टेम्प्रेरी बाउंस यहाँ भी आने के चांसेस है बट यहाँ पे भी दिक्कत वही है कि आप ये जो कैंडल देख रहे हैं ये गैप डाउन कैंडल है तो इसके लिए आप आवली चार्ट पे जाके लेवल्स को निकाल सकते हैं सो so, पहला रेसिस्टेंस लेवल है फिफ्टी नाइन फोर का तो इसके ऊपर अप ओपन होता है तो फिर हम एक रिकवरी देख सकते हैं और ये जो रिकवरी है इसकी एक्सटेंड हो सकती है आप सोलह सो पचपन से लेके सो मार्केट में डेफिनेटली वॉलिटिलिटी ज्यादा हो सकती है रेंज बड़ी हो सकती है ऊपर की तरफ की नीचे भी तरफ की इसीलिए हम देख रहे हैं लेवल्स भी काफी ज्यादा दूर दूर है तो अगर इसके ऊपर ओपन होता है या फ्लैट ओपनिंग होकर इसके ऊपर निकलता है डिसाइजिवली तो फिर ये ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है गैप डाउन ओपनिंग होती है इस लेवल पर रेसिस्टेंस लेता है तो फिर हम करेक्शन देखेंगे और आप देख सकते हैं सपोर्ट लेवल्स हमारे वीकली चार्ट के हैं बट आप अवली चार्ट पे देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं और सपोर्ट्स भी मिल जाएंगे तो ये डिपेंड करता है कि आपका व्यू किस टाइम फ्रेम का है कितने टाइम पीरियड का है सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सो बेसिकली हमने देखा कि बैंक निफ्टी का जो भी चार्ट है वो वीक है जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी हम देख चुके हैं तो करेक्शन यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी दिख रही है फिलहाल आज एक सपोर्ट पे क्लोज हुआ है तो जब सपोर्ट पे क्लोज होता है तो यूजुअली गैप अप या डाउन ओपनिंग्स होती हैं तो मंडे को गैप अप और डाउन ओपनिंग भी हो सकती है सो so, आपके पास लेवल्स हैं उस हिसाब से आप अपने प्राइस एक्शन को नोटिस करके अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं तो फिलहाल हमें आईसीआईसी बैंक और एस बैंक दोनों सही दिख रहे हैं ये दोनों साइड ट्रेड कर सकते हैं बाकी बैंक एच डी एफ सी कोटक एक्सेस ये हमें थोड़े वीक दिख रहे हैं सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय हैव अ हैप्पी लर्निंग